लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नागलोक के सभासदों और मेरे वीर सैनिकों, आज हमें बड़ी प्रसन्नता है कि नागराज, नागराज वासुकी की जय हो। नागराज राक्षस राज रावण यमलोक के बाद नागलोक में प्रवेश कर चुका है। क्या राक्षस राज रावण यहाँ नागलोक में? हाँ नागाधिराज, रावण के पास अपार शक्ति और चमत्कारी अस्त्र शस्त्र है। उसे ब्रह्मा के द्वारा अमरता का वरदान प्राप्त है। नागवंशियों, हम पर अकारण ही ये संकट आ पड़ा है। हमें रावण का सामना करना होगा और उसे नागलोक की सीमा से बाहर करना होगा। हम सब राक्षस रावण से युद्ध के लिए प्रस्तुत हैं नागराज, हम उसे यहाँ से भगा कर रहेंगे। आप लोगों का मनोबल देखकर हमारा बल और बढ़ गया है। अब हम रावण को कड़ी टक्कर देंगे। नाग सेनापति, रावण को नागलोक की सीमा पर रोकने का आदेश दिया जाए। जो आज्ञा नागराज। नागलोक अचानक संकट में आ पड़ा है। पृथ्वीलोकवासी अतुल बलशाली रावण नागलोक की सीमा में प्रवेश करके हम शांतिप्रिय नागों से संघर्ष करना चाहता है। हमें इतनी शक्ति दो माता कि हम उस दुष्ट का सामना कर सकें। नागराज कुमारी सुलोचना, मैं तुझे अपनी तेज शक्ति प्रदान करती। इस शक्ति के प्रभाव से तू बड़े से बड़े बलशाली को रोकने में समर्थ होगी। इस शक्ति के कारण तुझ में सतीत्व का तेज प्रकट होगा और जो पुरुष तेरा पति बनेगा वह चमत्कारी होगा। माता आपकी कृपा अपार है। सुलोचना तुम्हारा नाम सतियों में प्रसिद्ध होगा। सती सुलोचना का नाम सदा सदा के लिए अमर हो जाएगा। सती सुलोचना, इसका विवाह जिससे होगा वो चमत्कारी होगा। यही है सती सुलोचना। आज का दिन कितना शुभ है माता। नागलोक की रक्षा के लिए आपने मुझे शक्ति प्रदान की और अमर सतीत्व का वरदान दिया। आप धन्य है माता, आप धन्य है। धन्य हो सुंदरी सुलोचना, धन्य हो। नागलोक में प्रवेश करते ही तुम्हारे दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। तुम कौन हो? हम हम हैं विश्व विजयी लंकापति रावण। तो तुम हो राक्षस राज रावण? ठीक पहचाना सुंदरी, हम इस खड़क के बल पर नागलोक पर विजय करने निकले थे, परंतु आगे बढ़ने से पहले ही तुमने हमारा हृदय जीत लिया। व्यर्थ की बातें ना करो लंकापति। यदि तुम्हें अपने बल पर इतना ही अभिमान है तो अपने बल का प्रयोग करके देख लो। तुम्हें पता चल जाएगा कि नागलोक पर विजय पाना इतना आसान नहीं है। हमने तो तुम्हें देखते ही शस्त्र डाल दिए सुंदरी। नागलोक पर विजय प्राप्त करने के बदले हम केवल तुम्हें प्राप्त करना चाहते हैं सुंदरी। नीलिमा, इसी समय जाकर नागराज को सूचना दो कि उनका शत्रु राक्षस राज रावण नागलोक में प्रवेश कर चुका है और मैं इसे यहीं तब तक रोके रखूंगी जब तक वो सेना सहित यहाँ नहीं आ जाते। जो आज्ञा राजकुमार। व्यर्थ नागराज को कष्ट दे रही हो सुंदरी, हम तुमसे पहले ही कह चुके हैं तुम्हें देखने के बाद हम नागलोक पर आक्रमण करने की बात सपने में भी नहीं सोच सकते। पृथ्वीवासियों पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता और उस पर तुम तो एक राक्षस हो। हम केवल राक्षस नहीं है सुंदरी, राक्षसों के स्वामी लंकापति, संपूर्ण पृथ्वी के सम्राट।
रावण है। तुम जो कह रहे हो उसका मुझे पता है। नागलोक वासियों से पृथ्वी की कोई घटना छुपी नहीं रहती। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम ब्राह्मण पिता और राक्षसी माता की संतान हो और तुमने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा से अपूर्व शक्ति का वरदान प्राप्त किया है। नाग कन्या सुलोचना, तुम वीरांगना होने के साथ साथ चतुर भी हो। जैसे जैसे हमें तुम्हारे गुणों का ज्ञान हो रहा है, हमारा हृदय तुम्हें पाने के लिए ललायित हो रहा है। एक अनजान कन्या के प्रति इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना आपको शोभा नहीं देता राक्षस राज। आप मुझसे बड़े हैं इसलिए ये बात मैं संकोच के साथ कह रही हूँ। दुष्ट रावण, तुमने नागलोक में प्रवेश करने की दुष्टता कैसे की? नागराज, जब हमने दुष्टता की ही नहीं तो आप हमें दुष्ट कहकर क्यों पुकार रहे हैं? क्योंकि नागलोक पर आप अपनी विजय आकांक्षा के साथ आए हैं, इसलिए आप हमारे शत्रु हैं। और जो शत्रु होता है वो दुष्ट ही होता है, कोई सज्जन नहीं। परंतु आपकी राजकन्या को देखने के बाद हमने नागलोक पर विजय करने का विचार छोड़ दिया है। चौकी नहीं नागराज, जिस नागलोक में सुंदरी सुलोचना जैसी वीर और चतुर राजकन्या हो उस पर तो कोई मूर्ख ही बलपूर्वक विजय पाना चाहेगा। यदि आप हमसे शत्रुता करना नहीं चाहते तो ऐसी अनुचित मांग क्यों कर रहे हैं? हमारी नाग कन्या सुलोचना हमें अपने प्राणों से भी अधिक प्यारी है, और कोई इसे बलपूर्वक ले जाना चाहेगा तो हम उसे ऐसा नहीं करने देंगे। नागराज, तुम्हारी राज कन्या चतुर अवश्य है, परंतु इतनी चतुर नहीं कि हमारे मन की बात कुछ समझ सके। यहां आने पर जब से हमारी दृष्टि इस पर पड़ी है, हम इसे पुत्र वधू के रूप में देख रहे हैं। हमारी भावना पवित्र है। यदि ये राजकुमारी हमारे शब्दों का कोई दूसरा अर्थ लगा रही है तो यह इसकी भूल है। हम आपसे अपने शक्तिशाली पुत्र मेघनाथ के लिए सुलोचना का हाथ मांगते हैं। परंतु आपके पुत्र मेघनाथ को देखे बिना हम सुलोचना को ब्याहने का निर्णय कैसे कर सकते हैं? और हम चाहेंगे कि पति के रूप में पाने से पहले सुलोचना मेघनाथ को देखे और अपना निर्णय स्वयं करे। यही हमारे नागलोक की रीति है। हमें आपका प्रस्ताव स्वीकार है। हम मेघनाथ को अतिशीघ्र नागलोक में भेजेंगे। यदि मेघनाथ सुलोचना को अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त नहीं कर सका तो नागलोक की विजय का ध्वज लेकर वो अवश्य लंका लौटेगा। अष्ट सिद्धि मंत्राय स्वाहा। ओम ह्रीम ह्रीम नाम अष्ट सिद्धि मंत्राय स्वाहा। ये क्या, ये ज्वाला कैसे प्रकट हो रही है बार बार? मेघनाथ, तुम्हारी मंत्र शक्ति इस ज्वाला में विलीन हो गई है। इसका कोई फल तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि अष्ट सिद्धि तुम्हें तभी प्राप्त हो सकती है जब तुम्हें एक तेजस्विनी सती का साथ मिले, जब तुम दोनों साथ साथ अष्ट सिद्धि यज्ञ करो। तेजस्विनी सती? यह कैसी विचित्र मांग है अष्ट सिद्धि की? तेजस्विनी सती मैं कहां से लाऊं? तेजस्विनी सती तुम्हें पत्नी के रूप में शीघ्र ही प्राप्त होगी।